Hello traders, welcome to your channel Chat with Trade. I hope you all are making money in this market. कल का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक था DCM Serum Limited, आज उसमें लगभग 8% का अपमूव आया था. और जो हमारा नंबर टू स्टॉक था वो ओरिएंट रिफैक्टरी, उसमें लगभग 2.5% का करेक्शन में आज क्लोजिंग हुआ है. लेकिन वो उसका जो लो था, लो से लगभग 2% ऑलरेडी रिकवरी कर लिया है. तो आप इसको पोजिशनल तरीके से ओरिएंट रिफैक्टरी जो होल्ड कीजिए, अगर डीप मिलता है तो इसमें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ओरिएंट रिफैक्टरीज में. तो दोनों स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव आ रहा है. तो आज का जो ब्रेकआउट स्टॉक है, उससे पहले थोड़ा निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ब्रेकआउट स्टॉक को जाएंगे. तो अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये 100 डेड का सिंपल मूविंग एवरेज है. तो देखिए, निफ्टी का जो टाइम फ्रेम में सिलेक्ट किया हूँ, डेली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ मैं, आपको जो पिछले हफ्ते का मेरा जो निफ्टी का वीडियो था, मैं वहां पे बताया था कि जो रेड लाइन है वो 14,250 के आसपास है. तो मैं बताया कि जब तक निफ्टी 250 के नीचे क्लोज देता है, तो उसके बाद आपको आपका क्वांटिटी पोर्टफोलियो क्वांटिटी रिड्यूस करना है. लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ. देखिए, क्लोज नीचे नहीं दिया, जो 100 का मूविंग एवरेज है और सपोर्ट है वहां से बाउंस कर लिया है. और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो हैमर पैटर्न बना है. तो मेरा हिसाब से जब तक निफ्टी 14,250 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक आप बुलिश रहे. जब उसके नीचे क्लोज देगा एक दिन, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करिएगा. तो अभी तो निफ्टी में वही है, सपोर्ट के जो भी सपोर्ट एरिया है वहां से बाउंस कर रहा है और रजिस्टर्स में सेलिंग हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अगर ऊपर भी जाएगा तो और 100-200 पॉइंट वहां पे फिर से सेलिंग है, क्योंकि जो जितना जितने बुल है जिसका पोजिशन फंसा हुआ है वहां पर निकलने की कोशिश करेंगे, और ऊपर जाकर यहाँ पे फिर से सेलिंग होगा. क्योंकि दोनों तरफ से सेलिंग होगा तो प्राइस और ऊपर जाकर थोड़ा आर से पुल बैक कर सकता है. तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस. और आज का जो ब्रेकआउट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सांगवी मूवर्स. पहला स्टॉक है सांगवी मूवर्स, उसमें हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है. तो अगर आप देखेंगे तो पहले मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूं, उसके बाद मैं वीकली चार्ट में आपको दिखाऊंगा. तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए जो वॉल्यूम आया है, तो मैं पहले इसको मूविंग एवरेज को हाइड कर लेता हूं. तो देखिए आज का कैंडल ए बना है और जो वॉल्यूम आया हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग आया है. तो देखिए मेरा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद वही पैटर्न आता है, जो जहां पे भी ब्रेकआउट आएगा और हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो मेरा हिसाब से आपको 130, देखिए मार्केट अभी थोड़ा रिक्सी जोन में है, क्योंकि जो 2020 मार्च का बाद को फेज था जहां पे बाय की थी उसके ऊपर प्राइस जा रहा था, तो अभी ऐसा ही फेज अभी नहीं है. तो मेरा हिसाब से आप जितना करीब मिल सकता है 120 से 125 के आसपास, तो इस जोन में आप बाय कीजिए, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा कम रिस्क रहेगा. क्या आप यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में बाय कीजिए. जैसे ही प्राइस 120-125 के आसपास आएगा, वहां पे आप बैलेंस क्वांटिटी एड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस शायद यहाँ पे थोड़ा पुल बैक कर सकता है. क्योंकि देखिए मार्केट का रिस्क हर स्टॉक में रहता है, इस स्टॉक में भी मार्केट का रिस्क है. अगर मार्केट 400-500 पॉइंट गिरेगा तो स्टॉक भी इंडिविजुअल गिर सकता है. तो मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे लीजिए. अभी जो सीएमपी है और जो उसका जो सपोर्ट जोन है 125-120 के बीच, वहां पे आपका बैलेंस क्वांटिटी एड कीजिए. देखिए स्टॉक जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसका बुक वैल्यू जो है, स्टॉक का बुक वैल्यू 164 है और स्टॉक अभी ट्रेडिंग कर रहा है 140 में. तो बुक वैल्यू से कम प्राइस में ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसीलिए एक फंडामेंटल भी एक डायरेक्शन दे रहा है कि स्टॉक प्राइस वहां तक जा सकता है. प्रोबेबिलिटी ऐसा मैक्सिमम स्टॉक है जिसका बुक वैल्यू ऊपर है लेकिन प्राइस नीचे ट्रेडिंग कर रहा है, बस एक बायस में बता रहा हूं. तो हाँ, वो लो बुक वैल्यू में ट्रेडिंग कर रहा है और जो टेक्निकल सेटअप भी सही बना है. तो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया है, तो मेरा हिसाब से आप स्मॉल क्वांटिटी अभी सीएमपी में बाय कीजिए, और 120 और 125 के बीच में अगर कभी मिलता है पुलबैक में यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं क्वांटिटी. लेकिन जो वॉल्यूम है वो मुझे और भी कॉन्फिडेंस देता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके 2-3 फेज में इसमें ऐड कीजिए. अगर मैं आपको इस स्टॉक को वीकली चार्ट में दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं पहले वीकली चार्ट टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं.
तो देखिए अब वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो देखिए स्टॉक जो है लगभग 2019 से सितंबर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और आज का कैंडल जो है हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक कर रहा है इस जोन से। तो अगर आपको वन मेरे लिए सबसे रिस्क फ्री जोन है 120 से 125, अगर इस एरिया में प्राइस आपको मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, आपके रडार में भी रखिए, आपके वॉचलिस्ट में ऐड कीजिए। और अगर यहाँ पे आप स्मॉल क्वांटिटी अगर लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं भी, लेकिन 120 में आपको ऐड करना है। क्या है कि स्टॉक शायद यहाँ पे पुल बैक कर सकता है मार्केट की रिस्क की वजह से और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मुझे हाई मेरा कॉन्विक्शन भी हाई है कि यहाँ पे प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। तो आपको इसको आप रेडर में रखनी है और इसका बुक वैल्यू भी अभी सेम से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, सेम से बुक वैल्यू उसके ऊपर है। तो सारा पैरामीटर देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो दिखाया गया है। तो आपको बस आपका रिस्क रिवार्ड एंड क्वांटिटी एंड मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। तो हमारा नंबर टू स्टॉक जो है वो जुबिलेंट फार्मोवा है। देखिए ऐसा यहाँ पे तो ब्रेकआउट नहीं आया है, बस सपोर्ट एरिया से ही बाउंस किया है जुबिलेंट फार्मोवा। अगर इसमें चार्ट को आप दिखाऊंगा तो देखिए, तो मैं पहले इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। मैं डेली चार्ट अभी जो स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस हुआ है। देखिए स्टॉक जो है लगभग अगस्त से अभी हो गया मार्च हो गया 7-8 महीने से एक रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है जुबिलेंट फार्मोवा। तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है आज का जो कैंडल बना है हाई वॉल्यूम के साथ अब मूव हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप वॉल्यूम का यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब जो आज का कैंडल जो लो है इस लो का स्टॉप लॉस देकर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्या है कि सपोर्ट में बाउंस हुआ है और हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस हुआ है तो इसलिए मेरा हाई कॉन्विक्शन बनना है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो देना है आज का लो है, जो आज का हाई वॉल्यूम का लो है, लो को वॉल्यूम देकर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्या कि हाई वॉल्यूम के साथ ये प्राइस ऊपर गया है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई स्मार्ट प्लेयर बाय किया है, इसी वजह से प्राइस यहाँ पे हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो आपका दोनों स्टॉक जो है अभी हो गया पहला सांगवी मूवर्स हो गया, नंबर टू हो गया जुबिलेंट फार्मोवा। इन दोनों को आपके रडार में रखिए, आपका रिस्क रिवार्ड एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और आपका क्वांटिटी जो है आपके कंट्रोल में रखिए, जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं उसी हिसाब से पोजिशन लीजिए। देखिए यहाँ पे सारा कुछ गेम है रिस्क मैनेजमेंट पोजिशन साइजिंग का स्ट्रैटेजी। तो बस 30% उसका पार्ट है, बस आप उस सेटअप को कैसे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन सारा गेम जो है आपका मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग का है। तो आपको दोनों स्टॉक को आप रडार में रखिए और आप जैसे सेटअप में आप आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और कुछ लोग कल के वीडियो में कमेंट किए थे कि मेरा साउंड का इश्यू थोड़ा आ रहा है, तो आई होप आज का जो वीडियो का साउंड क्वालिटी सही आ रहा होगा। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर वीडियो का साउंड सही आ रहा है, तो अगर कुछ और भी कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट में सजेशन दीजिए, तो मैं उस हिसाब से इंप्रूवमेंट कर लूंगा वीडियो क्वालिटी में। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।